प्रणाम, मैं लल्लन यादव। आज मैं अपने खेती देखने आया हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये पूरा जितना भी एरिया है ये पूरा गेहूं का है। यहाँ पे गेहूं और सरसों की खेती की गई है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या है कि जानवरों से क्षतिग्रस्त है ये। फिलहाल अभी इस टाइम लोगों ने अपना खेत बाड़ी सब रूंद के तार वगैरह बांध करके पूरा संभाले हुए हैं, लेकिन अब जानवरों के कारण खेती जो है काफ़ी पिछड़ गया है। कुछ लोगों जिनका बचा हुआ था उनका जो है निगलने वाला है, बाली आ चुका है, और जिनका एक बार दो बार तीन बार जानवरों ने उसको नुकसान किया, तो अभी वो काफ़ी नुकसानदेह है। लेकिन अब आज आप को हम अपनी खेती के बारे में चलते हैं। तो आइए भाई आओ। तो देख रहे हैं ये पूरा, ये मतलब जहाँ तक आप ये देख रहे हैं कि हर कोई ऐसा खेत नहीं है जिसमें रूंधा ना गया हो, और खेत में गेहूं कम, जानवरों के पैर ज्यादा दिख रहे हैं। दिखाओ भाई, खेत में गेहूं कम, इसमें जानवरों के खेत मतलब पैर ज्यादा हैं। तो आइए ऐसे देखते हैं। फिलहाल इसमें ज्यादा बथुआ या फिर अदर चीजें नहीं है, जो है गेहूं वो सलामत है। लेकिन क्या है कि इसमें उतना अच्छा खेती नहीं हो पाया, इसमें गेहूं कम उगे हुए हैं, जो उगा भी था उसमें से जानवर ज़्यादा नुकसान कर गए हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं अभी अभी यहाँ पे जो है खेती ठीक ठाक ही किया गया है। तो आप लोग देखिए, अब इधर के गेहूं से उधर गेहूं से बहुत फर्क है, उस साइड में बहुत फर्क है। तो आओ, तो आज हम लोग खेती देखने आए, आपको भी खेती दिखाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये पूरा खेती एकदम ए टू जेड बढ़िया है। फिलहाल अभी क्योंकि हमने जल्द में ही रुंधाया हुआ है इसका, मतलब इसको चारों तरफ से ग्राउंड किया गया है कि इसमें जानवर ना हल पाए, बांस खंभे या फिर तार वगैरह लगा करके उनको पूर्ण रूप से रोका गया है जानवरों को। तो अभी आप लोगों से इतना ही है कि आप लोग जो है थोड़ा सा हमारे चैनल पे थोड़ा लाइक कमेंट और शेयर जरूर किया करें, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकते कि जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। बस इतना ही बता सकते हैं कि हम लोग खेती बाड़ी जानवर ये सब जो हम लोगों के देहात में होता है सिर्फ उतना ही बता सकते हैं। तो जहाँ तक है कि हमारे यार चैनल को थोड़ा लाइक कर दिया करो, और हमारे यूट्यूब चैनल को CB यादव ऑफिशियल और भोला करके, भोला म्यूजिक है ना भाई, हाँ भोला म्यूजिक करके है, उसको आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें जरूर, ठीक है ना। नहीं से करते हैं, और जिसमें अभी फसलें तैयार होने वाली हैं गेहूं की, ये गेहूँ देख रहे हैं जैसा कि दिखाओ उधर एकदम किनारे से दिखाओ, वो जहाँ खरही लगा हुआ है वहीं से बस यहीं पे रुको, यहीं पे ये जो खरही लगा हुआ है इसके बगल से दाहिनी तरफ में मुड़ाओ ऐसे देखते हुए, अमरूद के पेड़ होते हुए जहाँ पे लड़के दिख रहे हैं, ये सब अपना सिर्फ एक ही खेत है यहाँ पे। लेकिन फिलहाल जो भी है ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट या फिर नुकसान नहीं है। और इसके बाद ये नीचे अपना एक खेत ये भी है, इसमें गेहूँ बड़ा दूर दूर है, बीरा जिसे बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल जो था वो तो ठीक ही है, लेकिन उसमें बीच में जानवर भी धान कर गए काफी ज्यादा। तो आप लोग किनके यहाँ मतलब गेहूं की खेती की जाती है? फिलहाल तो लगभग हमारे हम हिसाब से गेहूं की खेती सबके यहाँ की जाती है, क्योंकि बिना गेहूं के आटे के किसी को गुजारा नहीं होने वाला है। वो चाहे किसी भी कंपनी का आटा हो, लेकिन वो होगा गेहूं का ही लास्ट में। तो आपको बता दें कि देख रहे इधर से जानवरों का पूरा रास्ता लगा हुआ था, लेकिन ये बांधने की वजह से रूंढने की वजह से भी बचा हुआ है फिलहाल। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग वीडियो को हमारे यार थोड़ा सा लाइक कर दिया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो भाई। थैंक यू।